चौहान, मेरा नाम सहल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर भी किया करें। आज की जो वीडियो लेकर आए इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई जो मुस्लिम लेडीज है ना वो ये बोलने वाले हैं कि जो ओवैसी है ना उनका वो नफरत फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो है ना उनके हक में बहुत ज्यादा काम किया, उनको बहुत ज्यादा हमें फैसिलिटीज दी हैं, लेडीज को राइट्स दिए गए हैं, तो उनकी हुकूमत में वो बहुत ज्यादा खुश हैं। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को देख लेते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, देखते हैं आज इस पे। हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं सब यहाँ पे एकत्रित हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ओवैसी जिस तरह से शाहीन बाग की राजनीति कर रहे हैं उस पे महिलाएं यानी मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा बानो है। क्या आप लोग भी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बने जिस तरह से ओवैसी कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप जिस तरह से ओवैसी के जो बयान आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल राजनीति अपने धंधे पर ले जाने के चक्कर में लगे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा समाज में मुस्लिम पीड़ित हैं, ना शिक्षा हो पा रही ना कुछ। लेकिन माननीय मोदी जी ने एक तरफ एक हाथ में कुरान शरीफ, दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे के आज मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, आज आप देख रहे होंगे समाज भर में, दुनिया भर में देखोगे सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है? मुस्लिम बच्चे हो गए, धंधे पर लग गए, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, आखिर क्या हो रहा है? गुटखा खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कैंसर हॉस्पिटल में कौन पाए जाते हैं? मुस्लिम बच्चे। तो ये चीज़ गलत है। अगर उनको देना है तो उनको अच्छी सोच देनी चाहिए मुसलमानों को, ना कि बरगलाना चाहिए मुसलमानों को। इनका सरासर बयान गलत है, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं माननीय मोदी जी ने जो कृषि बिल वापस लिया है क्योंकि उनके संस्कार थे, संस्कार झुकता है, अहंकार नहीं झुकता। हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति समझने वाले अपोजिट समझते आ रहे हैं, लेकिन अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। क्योंकि बिना भेदभाव के माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने जो योजनाएं दी हैं, ये हमारी औरतें महिलाएं गवाह हैं, मुस्लिम महिलाएं। आप जाके देख लीजिए आयुष्मान कार्ड की योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या मंगल योजना, सारी योजनाएँ मुसलमानों तक पहुँची, ये बिना भेदभाव के, बिना प्रताड़ित किए, बिना धार्मिक उत्साह लिए कि नहीं इन मुस्लिम महिलाओं को भी बहनों को देना। आकाश करके देख लीजिए, कुप्रथा, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा, ये वर्षों से चली आ रही। आज हमारी मुस्लिम महिलाएं खुश हैं इस फैसले से। हम यही चाहते हैं कि ये गलत है, शाहीन बाग जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे ही तो कह रहे हैं कृषि कानून वापस ले लिए, तब सीए भी वापस लो भाई, मुसलमानों के विरोध में। बिल्कुल गलत। आप स्कूल में अटेंडेंस देते हो तो क्या आपकी उपस्थिति दर्ज होती है कि नहीं? ये हो रहा है पाकिस्तान वालों के लिए, बांग्लादेश वालों के लिए, ना कि हिंदुस्तान मुसलमानियों को। और सबसे बड़ी बात, एक देशभक्त जो मुस्लिम हिंदुस्तान का देशभक्त है वो कभी ऐसी शाहीन बाग वैसी जैसा वर्ड नहीं बोलेगा। मैं यही कहती हूँ, तमाम जनता से रिक्वेस्ट है कि उनके बहकाने पे ना आए, जो सच्चाई उसको देखें। आज हिंदुस्तान में आप सेफ हैं और अमन हैं, हाँ हमेशा सेफ रहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुस्ना बेगम है। वो ऐसे ही कह रहे हैं शाहीन बाग बनाएंगे? नहीं, वो तो गलत उनका फैसला है कि शाहीन बाग बना को क्या करेंगे। आखिर में इतना दिन हो गया, सब कुछ हुआ, शाहीन बाग बना भी, लेकिन जो मेरी सरकार थी, जो उन्होंने फैसला लिया, बाद में लोगों ने उसको स्वीकार भी किया, तो ये शाहीन बाग बना के मुसलमानों को बरगला रहे हैं। अच्छा। फिर से तो क्या मुसलमान बरगला जाएगा कि अब सब शिक्षित नहीं, अब सब शिक्षित हो गया है, बस यही बात तो है, ये जागरूक हो गए सब, तो अपने आप में सब एक दिमाग में सबके बात ये आ चुकी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और सीएए जो लागू करने की जो बातें उनकी सब कुछ, अब जो अफवाह दूसरी पार्टियों ने उड़ाई थी कि नहीं हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, हम मुस्लिमों को निकाल दिया गया, दिल में डर ऐसी अफवाह आप लोग के पास उड़ाई गई थी। तो उनके उड़ाने से कुछ होता नहीं है। हमको जो मालूम है, जो हम जान रहे हैं, हम शिक्षित हैं, तो वो बातें हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे देश के लिए क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। तो बरगलाने वाले बहुत से लोग आते हैं, बरगला के चले जाएंगे। बस अभी इतने समय क्या है कि हमें वोट चाहिए, हमारे तरफ हमारे मुस्लिम पार्टी है, तो ये उनके कहने से मुस्लिम के पास नहीं जाएंगे। आप लोग, आप आरोप लगाई कि विपक्ष वाले लोग उस समय बरगलाते थे कि मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, तो आप लोगों को सही डर आती थी ना? दिल में ये डर आ गई कि अरे चलो हमें निकाल दिया जाएगा, अब हम यहाँ कैसे रहेंगे, हमें अपना पूरा अपने दादा का निकलवाना होगा, बायोडाटा पूरा बनवाना होगा। लोग दौड़ने लगे थे, हर जगह जा रहे थे, हर विभाग में, नगर निगम से निकल रहे, लेकिन ये सब चीजें गलत थी। जैसे जैसे सच्चाई कैसे पता लगी, बाद में धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी कि ये सब गलत चीजें है। हम लोगों ने देखा कि कैंप लगा लगा के लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, दूसरे लोग आपको बरगला रहे, आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप अपना जिस तरीके से रह रहे हैं, ये आपका देश है, आप यहाँ के वासी हैं, आप यहीं रहेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है। ये
जो बांग्लादेश वाला था, ये जो पाकिस्तान वाला था, ये उसका किस्सा था। यहाँ का कुछ भी ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोग अगर कुछ भी करते, इसीलिए अब जाके सब देखिए नॉर्मल हो गया, अब कहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कल योगी आदित्यनाथ एक बयान दिया कि अगर इस तरह की विभाजनकारी बातें कोई करेगा तो फिर ये उत्तर प्रदेश से सख्ती से कार्रवाई होगी। आप लोग होनी बिल्कुल उनका स्वागत है इस बात का। बिल्कुल जितने क्रप सिस्टम है सब खत्म हो जाएंगे, जो बरगला रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल उनका स्वागत है, इनको फैसले को तुरंत लाना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि ये गुंडा नीति अपना रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, उन्होंने जितने फैसले लिए, चाहे शिक्षा, सुरक्षा और माफियाओं के लिए, बिल्कुल सब उनका सब फैसला उचित था। अजहर थाने पे नारी शक्ति लगा हुआ है, क्यों? ये उनकी सरकार, ये देखिए उनकी सरकार में नारी कितनी सुरक्षित है कि एकदम आराम से रात में भी निकलती है तो कोई डर नहीं है कि हमको कोई कुछ हो जाएगा, ये डर नहीं है, खत्म हो चुकी है ये डर। जो जो पहले था वो सब अब खत्म हो चुका है। तो हम लोग ये है कि हम लोग सोचते हैं कि ये सरकार हमारी बहुत अच्छी है, योगी सरकार जो भी फैसला ले रही है, अगर कर रहे हैं हम यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए, तो वो बहुत अच्छा फैसला होता है। उनके फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश। आपका नाम बताइए। मेरा नाम इस्मा बेगम है। ये बताइए, पहले से गुंडागर्दी आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है योगी सरकार में? सुरक्षा है, सभी कुछ हम लोग को मिल रहा है, जैसे कि गैस अभी मिला हुआ है हमको, और हमको सिलाई मशीन मिलने वाला है, अभी फॉर्म भरा रहे हैं, और हम लोग को हर एक सुविधा मिल रही है, जैसे कि हम लोग का आधार कार्ड हर एक चीज़ बन जा रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, और जो बच्चे मतलब गरीब है पढ़ नहीं सकते उनके लिए स्कूलों में मतलब कि फीस कम लग रही है, पैसे आ रहे हैं। पहले से माहौल कितना बदला है, जब अखिलेश यादव सरकार थी, आज योगी हैं, लोग कहते हैं कि मुसलमानों से डर के रह रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो बहुत कुछ नहीं मिलता था, हम भी इंटर पास हैं पढ़ लिख कर बेरोजगार, पर कुछ नहीं मिला अखिलेश यादव के राज में, लेकिन अब है हर एक सुविधा मिल रही है। अब बेरोजगार है इसके लिए, अब सिलाई मशीन के लिए फॉर्म मतलब मिल रहे हैं, सभी हमारी मैडम है, हुमा मैडम एक है, वो भरवा रही हैं सभी को, मतलब कि सभी को दिलवा रही हैं रोजगार करने के लिए। हम लोग बहुत गरीब हैं, रोजगार करने के लिए हम लोग रोजगार मेहनत करेंगे, कुछ हम लोग को भी हासिल होगा। अच्छा ठीक है मैम, आपसे ये पूछेंगे कि कभी अखिलेश यादव जिन्ना की बात करने लगते हैं, कभी ओवैसी कहते हैं कि हम शाहीन बाग बनाएंगे, ये जैसे ही चुनाव आता है, क्या इस तरह की बातें आपको लगता है कि मुसलमान उन्हें वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं, उन लोगों की हमेशा से राजनीति रही बरगलाने की मुसलमानों को, लेकिन मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ कि मुसलमानों की आँख खुल चुकी है, उनका माफिया राज खत्म हो गया। मैंने क्या कहा था, संस्कार झुकता है, अहंकार नहीं झुकता, इन लोगों में अंदर अहंकार आ गया है। और माननीय योगी जी मोदी जी संस्कारित हैं, आज उन्होंने फैसला भी वापस लिया तो किसानों के हित में लिया, और मुसलमानों के लिए भी अच्छे फैसले लेते हैं और लेते आएंगे। ये बताइए कि 4.5 सालों में, जैसे आपने 3 तलाक का जिक्र किया, योगी सरकार ने ऐसी योजना कौन सी लाई जिससे मुस्लिमों को फायदा हुआ हो, या कोई भेदभाव हुआ ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, सारी योजनाएं उन्होंने बिना भेदभाव के दिया, किसी चीज़ को भी ले लिए, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान हो, और बहुत सी ये शौचालय हो, आप गांव में उठा के देख लीजिए कि आवास हो, ये क्या जान के हिंदू मुसलमान, बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिना भेदभाव जाके फॉर्म भरा, उन्होंने सबमिट किया, और बाकायदा इन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला। क्या बात। अब जैसे अमूमन ऐसे पूछूं कि मुस्लिम महिलाओं का मूड क्या है, जैसे चुनाव आने वाला है तो लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर अखिलेश यादव के तरफ जाएंगे, आप लोगों का क्या मानना? वो तो हम सही वक्त आने पे बताएंगे। हाँ बिल्कुल। माहौल क्या है, मतलब आपको क्या दिख रहा है, महिलाएं जैसे आती हैं सब बातचीत करती हैं, शेरों में शेर योगी सर, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए पूरे दिलों में खड़े उतरे हैं, और उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। आज हमारे जो प्रताड़ना थी या हमारी बरसों से चली समस्याओं को, यहाँ तक कि हमारे अपने सम्मान को जिंदा रखा। धन्यवाद योगी सरकार। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं महिला सुरक्षित ही नहीं है, क्राइम नंबर 1 पे है। वो तो उनकी सरकार में मालूम चल चुका था कितने माफिया अपना बिल्कुल पेड़ की तरह उपज रहे थे। अच्छा। वो सब खत्म, माफियागिरी खत्म हुआ, बिल्कुल खत्म हुआ, महिला सुरक्षा बढ़ा है। कुछ है जो वो योगी जी आएंगे तो सब खत्म कर देंगे, लगता है इस बार आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आप लोग चुनाव मतदान केंद्रों पे जाएंगे? हम लोग ने सबसे बड़ी समस्या तो थी 3 तलाक की, वो खत्म हो गई है। अच्छा। हम उनसे खुश हैं, और अंधाधुन महिलाएं उनके वोट के लिए पहुंचेंगे, और बार बार कहेंगे योगी सरकार। एक बार फिर कह रहे थे कि अखिलेश यादव के राज में मैंने पास किया, जो बोले लैपटॉप मिलेगा, साइकिल मिलेगा, पर कुछ नहीं मिला। बहुत लोगों ने फॉर्म मिला भराया, लेकिन लैपटॉप के लिए कि लैपटॉप अखिलेश यादव देंगे, लेकिन कुछ नहीं, कि सभी बच्चे रो रहे थे कि फॉर्म भरा है, पैसा लगा, घूस खा रहे थे, लेकिन कुछ भी मिला नहीं किसी को, हमें भी नहीं मिला।
कहा जाता है कि अखिलेश यादव कभी कहा करते थे कि हमारी मुस्लिम बेटियां हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं था क्या? नहीं, कुछ मिलता नहीं था। मिलता तो अगर ये आपके सामने उसी समय इंटर की हुई लड़की खड़ी है और इसको नहीं मिला तो हम क्या जाने किसको मिला किसको नहीं मिला। कहने के लिए आदमी दिखाने के लिए तो चार आदमी को इकट्ठा करके दिखा देगा कि हाँ हमने ये योजना दी तो इसका लाभ दिया, लेकिन ये योगी सरकार मोदी सरकार में ये चीज़ें नहीं होती हैं कि इकट्ठा करके दिखाया जाए कि हाँ हमें ये लाभ मिला। हम लोग अपने दिल से उनकी बात कर रहे हैं ना कि हाँ उन्होंने जो मेरे लिए किया वो बहुत अच्छा किया है और उसका हम लोग सम्मान करते हैं उनकी बातों का। दो एले की चूल्ही और एक सिलेंडर का उसमें पूरा भरा हुआ था गैस, अभी कल मिला हुआ है मुझे। उज्ज्वला योजना? हाँ, उज्ज्वला योजना। दो एले की चूल्ही मेरे पास नहीं था, इसका मेरा सपना था दो एले की चूल्ही हो जाए, पर वो मेरे पास हो गई। इसके पहले कभी सपा सरकार में आपको सिलेंडर विलेंडर नहीं मिला? कुछ नहीं मिला था, जब से पैदा हुए तब कभी नहीं मिला। और लैपटॉप भी नहीं मिला? कुछ नहीं, लैपटॉप नहीं मिला। और मायावती की सरकार में भी मैंने हाई स्कूल पास किया तो उसमें जैसे कि साइकिल मिलने वाली थी कुछ भी नहीं मिला। आज पढ़ लिख कर क्या है, नौकरी भी नहीं मिली, बेरोजगार भी हैं। अब ये योगी सरकार है तो इसमें हमें बहुत कुछ मिला, जैसे कि अब हमको सिलाई मशीन भी मिली और फॉर्म भी मिल रहे हैं, गैस भी मिला, चूल्हा भी मिला और आधार कार्ड बने और जैसे राशन कार्ड बने। अच्छा। आवास भी बहुत लोगों को मिला है। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, ओवैसी को जानती हैं? ओवैसी को, असुद्दीन ओवैसी जो भाषण वासन देते हैं? अच्छा। नहीं। चलिए ठीक है, तो ये बताइए कि इस बार साइकिल के लिए पैसा लेके हजार भी घुमा कि बीपीएल कार्ड जो बनता था वो भी नहीं बना। अच्छा। कि हमारी लड़की की शादी है, थोड़ा 20,000 रुपया मिला, वो भी नहीं मिला। और अब कुछ मिल रहा है योगी सरकार जब? अब तो उमा मैम जो हमारी है वो हमारे लिए स्वेच्छा करेंगे तो बन जाएगा। अच्छा। हम 4 साल की विधवा है, हमारा पेंशन नहीं बना है, बनवा दीजिए। सिलेंडर कुछ मिल? सिलेंडर मिल चुका है बाजी की वजह से हमको, मिल चुका है। आपको मिला है सिलेंडर? मेरे क्या कनेक्शन पहले से था। अच्छा। तो इस वजह से मेरे पास कनेक्शन है। योगी सरकार जी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि महंगाई थोड़ा गरीब जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो भाई देखा ही कि किस तरह से जो मुस्लिम लेडीज़ है ना वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी कि हमें हमारे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि हमारे यहाँ पे कोई दो चूल्हा वाला जो हमें लाया नहीं है, जो नया चूल्हा लाया उस तरह के वो बोल रहे हैं कि बड़ा शौक था कि शुरू से हमारे पास दो चूल्हों वाला चूल्हा होता तो वो भी उन्होंने दिया और उसके अलावा भरा हुआ सिलेंडर भी दिया है हमें। यार कौन देता है भरा हुआ? तो बहुत ज्यादा दूर की बात है, हमें तो हमें फ्री में कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं हैरान होती हूँ जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ ना इनके मुंह से। एक टाइम के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि कैसे कोई किसी को सिलेंडर भी दे सकता है, चूल्हा भी दे सकता है, फिर उनको सिलाई करने के लिए मशीनें भी दी जा रही हैं ताकि वो सिलाई करके अपना रोजगार कमा सके। इस वजह से वो उनको हमें दे रहे हैं गरीबों को। और फिर उन्होंने बोला कि राशन कार्ड भी उन्होंने बनाया, राशन कार्ड एक अलग से कार्ड होता है जो उनके लिए ना बनाया जाता है। और 300 यूनिट तक हमें इंडिया में बिजली फ्री मिलती है, हमारे यहाँ पे 100 यूनिट से ऊपर चला जाए ना तो डबल बिल आना स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है इतना। तो वहाँ पे 300 यूनिट्स, यार इतना तो हम कभी भी यूज ना कर पाए जितने 300 यूनिट होते हैं, उसके बाद आपको बिल आना स्टार्ट होता है अगर आप 300 यूनिट यूज कर लेते हो तो। यार कितनी फैसिलिटीज हैं, वाओ यार बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि भाई लेडीज को इतनी ज्यादा उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने बोला है कि लेडीज को हमें लैपटॉप भी दिए जाएंगे, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ना जो आगे और पढ़ना चाहते हैं उनको लैपटॉप भी दिए जाएंगे। साढ़े इतने तो भाई सानू कुछ नहीं जी मिलता फ्री च, नहीं हमें कुछ मिला है कभी आपको फ्री? कभी नहीं ना मिला हमें। जब मैं थी ना मैट्रिक में तो मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आए तो मुझे ऐसा था कि मुझे ना लैपटॉप उस टाइम पे बच्चों को मिल रहा था तो मुझे मिला, लेकिन कोई नहीं मिला भाई, कोई लैपटॉप शैपटॉप कभी नहीं मिला कुछ फ्री में। हमें गवर्नमेंट की जानिब से हमसे लूटा ही गया है, हमें कभी दिया नहीं गया। आज भाई इनकी जुबानी सुन करके योगी आदित्यनाथ दिल खुश हुआ। हाँ दिल खुश हुआ। और उन्होंने सबसे बड़ी बात हमें मुझे ये लगी है कि उन्होंने बोला कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा, पहले होता था कि लेडीज़ जो है ना शाम में बाहर नहीं थी निकल पाती, लेकिन अभी जो है ना गुंडागर्दी खत्म हो गया, अभी लेडीज़ जो है आधी रात को भी चाहे ना तो अकेली बाहर जा सकते हैं, कोई गुंडों का ना उनको कोई खतरा नहीं। हाँ खतरा नहीं है उनको, इंतज़ाम उन्होंने काफ़ी अच्छा करके रखा है। तो बहुत अच्छा लगा भाई मुझे तो इनकी इंटरव्यू सुनकर, मैं तो हैरान हो रही हूँ बहुत ज़्यादा कि यार वाओ क्या बात है योगी जी की, है कितना अच्छा काम उन्होंने किया है। अभी आगे भी मुझे लगता है उन्हीं का ही सिलेक्शन होना है क्योंकि हमें उन्होंने जब इतना काम किया काम तो, किया वही आएंगे। हाँ सही बात है। तो कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज बताना, फिर मिलते हैं आपको, उसको वोट देना।
हाँ हमको ही वोट देना यार, हालांकि हम कोई मतलब हमारा कोई इसमें लेन देन नहीं, नहीं फिर भी अच्छे लोग हैं ना, अच्छे को देना चाहिए। हाँ, अच्छों को देना चाहिए। काम में आएंगे वो। हाँ बिल्कुल, जो आपका सोचते हैं ऐसे करे वो ज्यादा बहुत करेंगे आपका। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर आपको मिलते हैं कोर न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चलते हैं, अल्लाह हाफिज।